नमस्कार सभी दोस्तों को और सभी किसान भाइयों को। तो जैसे आप देख सकते हो, आज हमारे साथ है सोनालिका 2016 मॉडल, मेरठ नंबर स्टेशन है और ये सोनालिका की एजेंसी पर खड़ा है। एजेंसी का मैं पता दिखा देता हूँ आपको, आप आसानी से देख सकते हो जूम करके। मैं एक बार वीडियो को पोस्ट कर लेना और देख लेना मोबाइल नंबर एजेंसी वगैरह। बस सभी भाई से दरख्वास्त है कि जो अपने लोकल का बंदा हो वही नंबर कॉन्टैक्ट पे करे। बहुत दूर दूर के बंदे कॉल करके पूछते हैं, तो प्लीज़ ऐसा ना करें, ठीक है ना। तो जैसे आप देख सकते हो, उसके अगर हम टायरों की बात कर लेते हैं, लगभग आप देख सकते हो अपने हिसाब से, मैं अपने अंदाज से बताऊँ तो 40% टायर पिछले वाले हैं इसमें, 40 से 50% के आसपास, और आगे वाले टायर की लगभग भी कंडीशन यही है। जंग वगैरह की शिकायत कहीं नहीं है, ना कहीं से वो कोई भी ऑयल वगैरह इसने लीकेजिंग दिखा रखी, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, वीडियो के साथ कंटिन्यू रहे और वीडियो को पूरा देखिए। जिस किसान भाई को इसकी रिक्वायरमेंट हो, जिसको अच्छा लगता हो, वो उस पर फ़ोन नंबर जरूर करके पूछ सकता है, लेकिन अदरवाइज किसको नहीं पसंद है वो वैसे ही परेशान ना करे। इसकी मैं कीमत बताऊँगा, उसकी स्टार्टिंग दिखाऊँगा। और ये 2016 मॉडल है जैसे मैंने आपको बताया है पहले। प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब जरूर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर आपने नहीं किया हुआ, क्योंकि एक एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल होता है, हमारी फैमिली को ग्रो करने में सक्सेस करता है। और लाइक जरूर करके जाना, क्योंकि लाइक से हमें मोटिवेशनल मिलता है अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने के लिए। लाइक से हमें कोई हमें अर्निंग नहीं होती, तो प्लीज़ लाइक जरूर करना। और धीरे धीरे आप वीडियो को भी देखते रहना, ट्रैक्टर में कोई आपको जंग वगैरह नहीं मिलेगा, ये थोड़ी सी रंग वगैरह उतर जाता है, तो इसलिए दिखा रखिए आपकी जो गलने वाला जंग होता है, रस्टिंग वो नहीं है। रिवर्स स्पीड के साथ ट्रैक्टर है, लाइट वाइट वगैरह सी ये थोड़ी सी सही नहीं है, ये लाइट आपको चालू होगी लेकिन ये चालू करानी पड़ेगी ये भी, ठीक है ना। पीछे का हीच भी लगवाना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये वाला टायर थोड़ा सा इसका उसके सामने थोड़ा सा 19 है, जैसे आप देख सकते हैं कट वगैरह आ रहा है, लेकिन ये 7 के टायर है ट्रैक्टर के, ठीक है ना, और ये C8 के टायर है। प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो उसके लिए दिल से धन्यवाद। नहीं किया तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। वीडियो के नीचे आ रहा हुआ रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ, उसको दबाने के बाद बेल आइकन को प्रेस जरूर करना मत भूलना, क्योंकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहेगा। ऑल इम्पी डिस्ब्रेक में हाइड्रोमैक्स, इसके अंदर हाई परफॉर्मेंस लिफ्ट आती है ट्रैक्टर की, ठीक है ना। CM सीरीज के अंदर ट्रैक्टर आता है। तो आपको ट्रैक्टर अगर हम इसकी प्राइस और कीमत की बात कर लेते हैं, तो 4.25 लाख रुपये इसकी डिमांड है। तो जब अगर आप एजेंसी पर आकर के बात करोगे, नेगोशिएट करोगे, तो आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ कम कर जाएगा। 55 हॉर्सपावर का ट्रैक्टर होता है, मैं आपको ये पहले बता देता हूँ। सिंगल पीस बोनट के साथ आ जाता है ट्रैक्टर, यहाँ से उठ जाता है पूरा, सिंगल पीस बोनट है ये लोकस के साइड में, 2016 मॉडल है। तो इसकी एक बार ऊपर चल के स्टार्टिंग देख लेते हैं, इसका कैसी इसकी आवाज़ वगैरह है। तो उसके बाद देखो, पुराना ट्रैक्टर है, पैसे ज़रूर लेगा, ऐसे तो कोई नहीं कि बिल्कुल, लेकिन आप अगर आप इस कंडीशन में अगर ट्रैक्टर को चलाना चाहते हो तो ट्रैक्टर चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं और बेहतरीन काम करेगा। तो चलिए पहले ऊपर चल लेते हैं। तो जैसे हम ऊपर आ चुके हैं, और डिजिटल प्लस एनालॉग मीटर मिल जाता है, डिजिटल में सिर्फ इसमें आवर्स आएंगे, बाकी ट्रैक्टर एनालॉग है टोटली। तो ट्रैक्टर में आप देख सकते हो डुअल पीस ट्रैक्टर है, सेकेंड हैंड ट्रैक्टर है, तो पैसे जरूर लेगा ट्रैक्टर, लेकिन ट्रैक्टर वर्क भी बहुत अच्छा करेगा। बैटरी डाउन होने की वजह से सेल्फ नहीं ले रही, लेकिन इसकी बैटरी डाउन है, बाकी ट्रैक्टर स्टार्टिंग है, सेल्फ ही स्टार्ट हो जाएगा, और ट्रैक्टर बहुत ही ज़्यादा शानदार है। बाकी ट्रैक्टर में कोई इंजन वाइज तो कोई कमी नहीं है, बाकी बॉडी में भी कोई दिक्कत नहीं, बस आपको डेकोरेशन वगैरह वायरिंग वगैरह थोड़ी सही करानी होगी। तो अगर आप किस किसान भाई को ये ट्रैक्टर इतने प्राइस में कितना सफिशेंट लगता है और किस हिसाब से लगता है कि लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, कमेंट जरूर करना। कमेंट बिलो सिर्फ आप लोगों के लिए होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप कमेंट करना, मुझे बताना कि आपको ट्रैक्टर कैसा लगता है, इतने रुपए में लेने लायक है या नहीं। तो प्लीज़ अपना कमेंट जरूर करना और लाइक जरूर करना। थैंक यू, धन्यवाद।